जय हिंद दोस्तों। पशुपालन विभाग ने वैकेंसी निकाली हुई है जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों की 120 पद हैं। 120 पदों में भूतपूर्व सैनिकों के वैकेंसी है और 19 पद उत्कृष्ट खिलाड़ी के हैं। इसके बाद पशुधन कर्मचारी भी हैं, उनके भी 96 पद हैं और टोटल जो दिव्यांग के हैं यानी कि कैटेगरी पर्सन के 77 पोस्ट हैं। तो काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें केवल केवल भूतपूर्व सैनिक के 120 पद है। वैकेंसी बता देते हैं कितनी निकली हुई है। पहले तो हम देख लेते हैं कहाँ पे वैकेंसी निकली और किस जगह की है जॉब लोकेशन, कहाँ पे कैसे अप्लाई करना, पूरी डिटेल इसमें मिलने वाली। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो वैकेंसी निकली हुई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली हुई है पशुधन सहायक की भर्ती। पशुपालन विभाग की तरफ से निकली हुई है जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो सिर्फ राजस्थान के ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 1136 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 981 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र और 155 पद पर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बता दें ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आप जन सेवा केंद्र में भी जाकर कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद अपने मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया जन सेवा केंद्र से करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि राजस्थान के मूल निवासी ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आरक्षण का जिसको लाभ लेना है वो राजस्थान का ही मूल निवासी होना चाहिए। परीक्षा शुल्क ₹450 जनरल और ओबीसी को लगेगी। इसके बाद SC ST को ₹250 लगेगी फीस। तो इस तरह से आपको फीस लगनी है, तो ध्यान रखें फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है। प्रवेश पत्र इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जब फॉर्म भर देंगे इसके बाद जारी कर दिया जाएगा। उसको आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है। पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर लें तो काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। 981 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसी है जिसमें कि सामान्य के लिए 245 पोस्ट हैं और जो सामान्य महिलाएं हैं उनके लिए 70 पोस्ट हैं और विधवा जो है उनके लिए 28 पोस्ट है, परित्यक्ता के लिए 7 पोस्ट है। तो काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है सामान्य के लिए, अनुसूचित जात के लिए भी वैकेंसी है। इसके बाद अनुसूचित जनजात के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी वैकेंसी काफी है, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए भी वैकेंसी काफी है। तो जरूर अप्लाई करें। इसमें ध्यान रखें जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण दिया हुआ है अलग से, वो मैंने पहले बता दिया 120 पद हैं सिर्फ इन वैकेंसियों में। 981 में 120 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसके बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी वैकेंसी है, उसमें भी बता दें कि 155 पोस्ट हैं जिसमें कि सामान्य के लिए 56 है। इसमें भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र में है तब भी भूतपूर्व सैनिकों की 19 वैकेंसी है। तो जरूर अप्लाई करें अगर भूतपूर्व सैनिक राजस्थान के रहने वाले हैं। दिव्यांग के लिए इसमें 12 पोस्ट है। तो भूतपूर्व सैनिकों की अगर टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 19 प्लस 120 यानी कि 140 के आसपास वैकेंसी है। तो जरूर अप्लाई करें। इसके बाद अभी देख लेते हैं इसमें कब से फॉर्म भरे जाने हैं, डेट क्या रहेगी और कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एज कितनी चाहिए, तो पूरी डिटेल इसमें बता देते हैं। भूतपूर्व सैनिकों का मतलब है जल थल और वायु सेना में सर्विस किए हुए जिनका चरित्र उत्तम यानी कि अच्छा होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण है 12.5% पद दिए गए हैं उन्हें। तो काफी वैकेंसी राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहती है, तो इसका जरूर लाभ लें। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मूल निवास का प्रमाण पत्र आपको जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो देना पड़ेगा। खिलाड़ी भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनको भी इसमें रिजर्वेशन 3% दिया हुआ है जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं। इसके बाद इसमें एक वेतन जो सैलरी रहेगी
लेवल 8 की सैलरी रहेगी और 26,300 से 85,500 रुपये सैलरी रहेगी। पे लेवल 8 काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए। तो ध्यान रखें जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी से होना चाहिए। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, सब ध्यान रखें, मैथ नहीं है इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। इसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पशुधन असिस्टेंट का, तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट कब है, कब तक अप्लाई किया जा सकता है। तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 से, और भूतपूर्व सैनिक SC ST OBC सबको एज रिलैक्सेशन राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार से दिया है, जिसको सबको पता है कितना राजस्थान गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन देती है। पेंशन अंशदायी पेंशन होगी जो कि अभी चालू हुए है अंशदायी पेंशन। परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 19/3/2022 से 17/4/2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। 19/3/2022 से 17/4/2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। ये था राजस्थान पशुपालन विभाग ने जो वैकेंसी निकाली उसका वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही